हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने लास्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं।
ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स एक्सप्लेन किया था। नाउ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? तो हाफ लाइफ पीरियड ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने देख लिया था, नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देख रहे हैं। तो देखो हमने पहले ही तुम्हें बताया कि यार अपने पास जो K होता है वो क्या होता है, इट इज 2.303 अपॉन T log of A नॉट बाई A, यही था ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एंड जब हमारे पास T इक्वल टू T हाफ है, ठीक है, जब हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये कितना बचेगा, इट इज ए नॉट बाई टू, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी बचेगी, ए नॉट बाई टू बचेगी। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए की जगह क्या लिखेंगे, ए नॉट बाई टू, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू, ओके ऑब्वियसली डिवाइड बाय के भी है तो डिवाइड बाय के हो गया। नाउ लॉग टू की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी हाफ जो है ये आ जाएगा 0.693 अपॉन के। सो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होता है हाफ लाइफ पीरियड, ओके लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? यस देव, दिस इज फर्स्ट फर्स्ट लाइफ का, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड। चले आगे। तो देखो हम देख सकते हैं कि यार हाफ लाइफ पीरियड जो है ये
कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ओके okay? इसमें कॉन्सेंट्रेशन का कोई टर्म नहीं आ रहा ना। तो अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि यार 20 मोलार से 10 मोलार होने में मान लो T1 टाइम लगा, और फिर 10 मोलार से 5 मोलार होने में T2 टाइम लगा, तो T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको 20 से मतलब रिएक्टेंट है उसको 20 से 10 मोलार होने में T1 टाइम लगा एंड देन 10 से 5 होने में T2 टाइम लगा, तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा। तो देखो हमने जैसा बताया यार कि हाफ लाइफ पीरियड जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ओके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो बेसिकली यहां पर भी हाफ हुआ है, 20 से 10 चला गया हाफ हो गया, इधर भी 10 से 5 चला गया हाफ हो गया, तो दोनों हाफ लाइफ पीरियड जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे, ओके बिकॉज क्यों सेम होंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। सो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 होगा, क्लियर है। सो हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किस कॉन्सेंट्रेशन से तुम हाफ कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ओके okay? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दैट इज फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू थर्ड हाफ लाइफ पीरियड एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब जितना टाइम 20 से 10 होने में लगेगा उतना ही टाइम 10 से 5 होने में लगेगा, उतना ही टाइम 5 से 2.5 होने में लगेगा, उतना ही टाइम 2.5 से 1.25 होने में लगेगा, समझ आया। तो पर्टिकुलर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, वो किस कॉन्सेंट्रेशन से तुम हाफ कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ओके तन्वी दिस इज सेकंड पेज। Can you show the previous page? Okay, Mandar.
Mandar, this is first page. ओके नाउ अब देखो तो हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू सेकंड हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू थर्ड हाफ लाइफ पीरियड पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन के सारे हाफ लाइफ पीरियड सेम है। तो अच्छा, जब एक हाफ लाइफ पीरियड हो जाता है तो आधा बचता है, एक और हाफ लाइफ पीरियड हो गया तो आधे का आधा बचेगा, फिर एक और हाफ लाइफ पीरियड हो गया मतलब आधे का आधा बचेगा। सो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन रिमेनिंग After एन half life, ठीक है। Now fraction remaining basically क्या है, it is a by a naught, a by a naught is fraction remaining, है ना, कितना बचा है। Now fraction remaining after एन half life, that is a by a naught, it should be equal to 1 by 2 raised to n। अगर हमारे पास एक half life हुई तो आधा बचेगा, अगर दो half life हो गई मतलब आधे का आधा, हम बोल सकते हैं 1 by 2 raised to 2। अगर तीन half life हो गई तो आधे का आधा मतलब 1 by 2 raised to 3, समझ आया। तो fraction remaining after n half life is 1 by 2 raised to n, clear है। और यहाँ पर n कैसे निकालेंगे, तो number of half life जो कि क्या n है, so it should be equal to total time डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। टोटल टाइम कितना दिया है, डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड, एक हाफ लाइफ पीरियड कितने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ टी हाफ इज 15 मिनट, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग इन 60 मिनट क्या आएगा बताओ। तो देखो 60 मिनट में कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे, चार हो जाएंगे ना, एक हाफ लाइफ पीरियड 15 मिनट का है तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, चार। तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या आएगा, 1 बाई 2 रेस टू 4, क्लियर है क्या, क्योंकि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हैं, चार हैं। मानो प्रीवियस पेज में लॉग 10 आएगा, किधर बोल रहे हो भाई, सॉल्यूशन लेते वक्त कौन से सॉल्यूशन लेते वक्त भाई। यस आकाश, टाइम कैन बी एनी यूनिट, टाइम जनरली के वाले यूनिट के हिसाब से रहेगा।
हो गया सबका? ठीक है चलो क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज 20% कंप्लीट। इज 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट। डिटरमाइन के मतलब रेट कॉन्स्टेंट एंड टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन एंड टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? निखिल दिस इज प्रीवियस पेज, जल्दी देखो यार। उससे पहले वाला ये है निखिल।
देवी का हाफ लाइफ पीरियड 1/5 क्यों होगा? ट्वेंटी परसेंट कंप्लीटेड बोला है, मतलब 80% अभी भी बचा है ना। रिएक्शन अगर 20% कंप्लीट हो गई मतलब 80% अभी भी बचा है, ठीक है। तो अगर तुम इनिशियल को मतलब ए नॉट को अगर तुम 100 मान लो, ठीक है, तो कितना बचा है? देखो 20% कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा? 100 - 20 मतलब 80% बचा ना। ओके, तो के क्या है? के अपने पास 2.303 upon t, t कितना है? 10 मिनट, log of a नॉट अपॉन a। तो क्या आया ये? दिस इज 2.303 upon 10 log of 100 upon 80। 100/80 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं या इसको आगे हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 0.2303 log ऑफ 10/8 लिख देते हैं, चलो इसको, ठीक है, 10/8 या फिर 5/4 भी लिख सकते, चलो 10/8 लिख देते हैं। सो क्या आ गया ये? 0.2303 इंटू log 10 इज 1 एंड log 8 कितना होता है? log 8 कितना होता है? 0.9 होता है ना। log 8 इट इज 2 raised to 3 ना, 8 क्या है? 2 raised to 3 हो गया, मतलब 3 log 2 मतलब 0.9। तो ये क्या आ गया अपने पास? 1 - 0.9 या मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो क्या हो गया इसको हम लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिख दो, चलो 2.303 इंटू 10^-2 या फिर चलो इसको हम 0.2303 लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास k का वैल्यू आ रहा है। अच्छा, यूनिट क्या है? यूनिट विल बी पर मिनट। k का यूनिट क्या हो गया? ये मिनट माइनस वन या पर मिनट। क्यों है मिनट माइनस वन? क्योंकि हमने टाइम किस में लिया? टाइम मिनट में लिया, ये 10 मिनट है ना, तो टाइम मिनट में लिया, तो ये हमारे पास आ गया k। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। नाउ और क्या चाहिए हमें? अब रेट कांस्टेंट हमारे पास आ गया, हमें चाहिए टाइम टेकन फॉर द 75% कंप्लीट। जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा? ओके, तो के इज इक्वल टू 2.303 upon t log ऑफ ए नॉट, ए नॉट को 100 ले लिया और देखो 75% कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं एक बात, तो अभी इनिशियल अगर हम यहां पर लेते हैं ए नॉट, अगर हमने ले लिया 100, तो 75% कंप्लीट हुआ तो ए कितना बचा? 75% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा? 25% बचा ना। सो के इज इक्वल टू 2.303 upon t log ऑफ ए नॉट, दैट इज 100 / a, दैट इज 25। सो क्या आ गया? log पाई आ गया ना, हम t को लिख सकते 2.303 upon k log 4। ओके, नाउ k का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो k का वैल्यू अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2.303 upon क्या है k? 0.023 03
लॉग फोर कितना हो गया, लॉग फोर इज 0.6। ओके लॉग फोर की वैल्यू क्या है, 0.6, तो हमारे पास कितना आ गया, 60 मिनट आ गया। क्लियर है सभी को? यस, हमने अप्रोक्सीमेशन किया है, दैट्स व्हाई 60 मिनट। बाकी एग्जैक्ट अगर तुम निकालोगे थोड़ा डिफरेंट आंसर आएगा। हाँ 62-63 के अराउंड आएगा अगर कैलकुलेटर से तुम करोगे तो। एग्जैक्ट 60 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग वाले मतलब लास्ट पेज पे जो किया है वो उसमें भी थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हो गया। जैसे लॉग 8 की वैल्यू हमने एग्जैक्टली क्या ले ली थी, 0.9 ले ली थी, बट 0.9 से थोड़ी इधर उधर होगी, ठीक है। एंड सिमिलरली हमने लॉग 4 का वैल्यू एग्जैक्ट 0.6 ले लिया तो वो भी थोड़ा इधर उधर होगा, दैट्स व्हाई आंसर थोड़ा सा डिफर कर सकता है। रायलन देखो जल्दी प्रीवियस पेज। प्रेरणा ए क्या है, क्या बताया था हमने, प्रेरणा ए क्या बताया था, ए जो है वो ए का कॉन्सेंट्रेशन है टी टाइम, मतलब रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है टी टाइम, और ए नॉट क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यह सिर्द है, नितिन देखो जल्दी। नो वैष्णवी, ए नॉट को जब परसेंटेज दिया है तो जीरो, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यू कैन टेक 100, ओके परसेंटेज, अगर ए फर्स्ट ऑर्डर में परसेंटेज वगैरह दिया है तो ए नॉट को तुम क्या ले सकते हो, 100 ले सकते हो, बट बाकी ऑर्डर में 100 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर क्या रेशियो आता है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है लॉक के अंदर क्या आता है, रेशियो आता है, तो कुछ भी लोगे सेम आएगा रेशियो, चाहे तुम इनिशियल 100 ले लो या इनिशियल 1000 ले लो या कितना भी ले लो, ओके रेशियो सेम ही आने वाला है। तो सिंपल करने के लिए हम क्या ले लेंगे, ए नोट को 100 ले लेंगे, बट फर्स्ट ऑर्डर के अलावा बाकी कोई ऑर्डर है तो इनिशियल 100 मत लो, फिर वहां पर इनिशियल कुछ वैल्यू मान के चलो, ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, लेकिन वहां पर 100 नहीं लेंगे, बट तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर ही पूछेंगे जनरली। हाँ शुभ, तुम्हारो बुकलेट डिस्कस कर लेंगे जो होमवर्क देंगे वो वाला। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो जल्दी,
चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 72 मिनट्स हाउ लॉन्ग टाइम it will take for 50% and 87.5% completion. 50% completion के लिए and 87.5% completion के लिए कितना time लगेगा? यस रिया, उसका मैंने TWT का तुम्हें सेंड किया पेपर, अगर स्टिल तुम्हें कोई डाउट होगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे. श्रावणी कर सकते हो जैसे तुम बोल रहे हो वैसे भी. यस इट इज करेक्ट है. यस रिया, शिवम करेक्ट है, हृदय करेक्ट है. नो हृदय एक्चुअली थर्ड वाला डिफरेंट आएगा ना, मतलब सेकंड वाला जो है डिफरेंट आएगा. फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला डिफरेंट आएगा ना. यस सत्यम करेक्ट है, तुषार करेक्ट है. यस सत्यम करेक्ट है. तन्वी ओके, दिवेश करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है. मे बी कुछ लोगों का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन वगैरह की वजह से आ रहा होगा. साक्षी रॉन्ग है, तन्वी करेक्ट है, क्षितिज करेक्ट है, शिवम करेक्ट है. साक्षी गुप्ता करेक्ट है, हर्षिता ऑब्वियसली कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा इधर उधर हुआ है, बाकी करेक्ट है. देविका रॉन्ग है, मिताली करेक्ट है, आदित्य इज ऑल्सो करेक्ट, तुषार करेक्ट है.
श्रावणी रॉन्ग है, देव रॉन्ग है, भव्या रॉन्ग है, सोमनाथ फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड थोड़ा रॉन्ग है ड्यू टू ऑब्वियसली कैलकुलेशन वगैरह। ईशान करेक्ट है दोनों, नहीं सोमनाथ एक्चुअली फर्स्ट भी तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंट है, कैलकुलेशन वगैरह वैसे ही होगा। राहुल यू आर आल्सो स्लाइटली डिफरेंट, शुभ शुभ फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला दोनों रॉन्ग है, देविका करेक्ट है, साक्षी गुप्ता करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो अभी जैसे हमने कराया वैसे कर सकते, तो वो फर्स्ट मेथड है इसके लिए। क्या करें 75% कंप्लीशन का बोला है तो बचा कितना 25 है ना। अगर हम ए नॉट को क्या ले लें, ए नॉट को 100 ले लें तो ए कितना होगा 75% कंप्लीट हुआ है तो बचेगा 25 है ना। तो के क्या आया, तो के इज 2.303 अपॉन टी दैट इज 72 लॉग ऑफ ए अपॉन ए नॉट अपॉन ए। तो ये क्या आ गया 2.303 अपॉन 72 लॉग 4। ओके इसको एज इट इज रहने दो। नाउ हमें 50% कंप्लीशन का पूछा है, नाउ व्हाट इज 50% कंप्लीशन वाला, इट इज 2.303 अपॉन 72 सॉरी अपॉन टी लॉग ऑफ 50% कंप्लीशन मतलब 50% बचा। ओके तो यहां से टी क्या आएगा, इट इज 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 2। नाउ के का वैल्यू अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये देखो ये क्या है, दिस इज 2.303 इंटू 2 लॉग 2 अपॉन 72 यही है ना। तो अगर इसको तुम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हो k को, तो यहां से देखो ये क्या आया, k को सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आया, ये दिस इज 72 बाई 2 दैट इज 36। अगर तुम k को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। ओके ऊपर जो क्या आया है उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, 36 आ जाएगा। ओके एंड देन इसी के को तुम अगर 87.5% वाले के लिए देखोगे तो क्या आएगा, 87.5% वाले में क्या है, 87.5% वाले में अगर ऑब्वियसली ए को हम ए नॉट को क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, तो ए कितना आएगा 100 माइनस 87.5 मतलब 12.5। तो टाइम क्या लगा, टाइम इज 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, तो ये कितना आया लॉग के अंदर, 8 आ गया। ठीक है लॉग 8, लॉग 8 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 3 लॉग 2। नाउ के को यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, 2.303 इंटू 3 लॉग 2 डिवाइड बाय के को सब्स्टिट्यूट करें दैट इज 2.303 इंटू 2 इंटू 72 और लॉग 2 भी है, तो लॉग 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है लॉग 2 कैंसिल आउट हो गया, 2.303 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 108। तो ये वाला टाइम जो है 108 मिनट आ रहा है। ठीक है तो ये इस टाइप से तुम अगर तुम्हें परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन दिए हैं तो उनको इस टाइप से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते। यस तुषार, फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड एंड सेकंड हाफ लाइफ पीरियड विल बी सेम, तो वही दूसरा मेथड वही है, दूसरा मेथड हम वही यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है एक मेथड तो ये हो गया,
दूसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे अभी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का दिस वाज फर्स्ट मेथड। सार्थक देखो पिछला पेज, यस तो सर, दिस इज सेकंड पेज। ओके हृदय, तो ऑब्वियसली वहां पर ऑप्शन में डिपेंड करेगा हृदय की ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ अब सेकंड मेथड देखते हैं। तो देखो सेकंड मेथड में क्या है, हमें पता है, अब देखो हमें ये पता है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो क्या होगा, टोटल टाइम, जल्दी देखो जल्दी, हो गया। ओके सो देखो सेकंड मेथड क्या है, अब उन्होंने क्या बोला है कि 75% कंप्लीट हुआ है 72 मिनट में। ओके नाउ 75% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग, तो देखो कितना बचा था बताओ, 25% बचा था ना, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या आएगा, 25/100 यही आएगा ना। 75% कंप्लीट जब हुआ है तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या है, 25/100 ना, ए बाय ए नॉट, ओके दैट कैन बी रिटन एज 1/4, हम बोल सकते हैं 1/2 raised to 2, ओके फ्रैक्शन रिमेनिंग जब वो बोल रहा है क्या, 75% कंप्लीट, ठीक है। तो फॉर 75% कंप्लीशन हम ये देख रहे हैं, तो अगर 75% कंप्लीट हुआ है तो कितना बचा, 25% बचा, या हम बोल सकते 25/100, तो कितना फ्रैक्शन बचा, 1/4 बचा ना, 1/4 को वी कैन राइट इट एज 1/2 raised to 2, सो बेसिकली ये 2 क्या है याद है, फ्रैक्शन रिमेनिंग इज 1/2 raised to n, एंड वहां पर n क्या होता था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो यहां से नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ गए, 2 आ गए। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इट इज टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड या टी हाफ, तो टोटल टाइम कितना है यार, टोटल टाइम कितना है, 72 मिनट डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया टी हाफ, 36 मिनट आ गया। ओके तो फर्स्ट ऑप्शन में यही तो पूछा है, पहला वाला पार्ट जो है वो यही है, 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीशन मतलब आधा खत्म हो गया आधा बचा, ओके तो कितना आएगा, हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा, तो हमारे पास एक हाफ लाइफ पीरियड कितने का हुआ, 36 मिनट का हुआ। ओके नाउ फॉर 87.5% कंप्लीशन, अब देखो 87.5% कंप्लीशन की अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा, कितना बचा, 12.5% बचा ना, तो 12.5% मतलब कितना, 12.5 डिवाइड बाय 100,
सो क्या आ गया ये, दिस इज नथिंग बट 1/8, ओके 12.5/100 कितना फ्रैक्शन हुआ, 1/8 हुआ ना, 1/8 को वी कैन राइट इट एज 1/2 raised to 3, ओके सो 3 क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गया क्या, सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या आएगा, 3 आएगा, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा यार, टोटल टाइम कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू टी, आप 3 हाफ लाइफ हो गए ना, तो 3 हाफ लाइफ मतलब कितना टाइम आ गया, 108 मिनट आ गया, ओके सो ये हमारे पास हो गया 108। क्लियर है सभी को, तो अगर हमें फ्रैक्शन रिमेनिंग 1/2 के पावर के टर्म्स में दिया है तो वहां पर इस टाइप से यूज कर सकते हैं, ओके सो 1/2 की पावर कब होगी, जब हमारे पास 25% बचेगा या फिर 50% बचेगा या फिर 12.5% बचेगा या फिर 6.25% बचेगा, ओके सो इतना इतना परसेंट अगर बच रहा है तो वो 1/2 रेस की पावर में आ जाएगा फ्रैक्शन रिमेनिंग, और फिर हम वहां पर ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हो गया सबका, तो हमारे पास जनरली फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर में से पूछा जाता है। नाउ डायरेक्ट हम चलते हैं एंड ऑर्डर पर, चलो लिखो जल्दी लिख लो, नहीं तन्वी अभी बचा है काफी, नो आगे चलते हैं। सो अब हम चलते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन पर डायरेक्ट,
तो उस nth ऑर्डर में हम ऑब्वियसली n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके किसी भी ऑर्डर का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। nth ऑर्डर रिएक्शन, तो जैसे हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और उससे कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो नाउ इसका रेट जो है ये क्या होगा, इट इज इक्वल टू सम रेट कॉन्स्टेंट इनटू ए रेज टू एन, ओके कॉन्सेंट्रेशन रेज टू एन। तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, फिर यूनिट ऑफ के क्या होगा, ऑब्वियसली के की यूनिट जो है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, इसका होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड को मोल पर लीटर रेज टू एन से डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड, तो इट इज मोल रेज टू वन माइनस एन, लीटर रेज टू एन माइनस वन एंड पर सेकेंड। ये हमारे पास होगा किसका यूनिट, के का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज यूनिट ऑफ के। इसके अलावा अब हम यहां पर इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे आगे, ऑब्वियसली पहले एक रेट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सो व्हाट इज रेट, रेट कैन बी रिटन एज माइनस डी ओवर डी टी, सो माइनस डी ओवर डी टी इज के इंटू ए रेज टू एन। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट, सो माइनस डी ए ओवर ए रेज टू एन इज इक्वल टू के डी टी। एंड नाउ इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, टाइम कहां से जाएगा, जीरो से टी तक जाएगा टाइम, एंड कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां तक जाएगी, इट इज ए नॉट टू ए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां तक जाएगी, ए नॉट से ए तक जाएगी। सो नाउ अब इसको देखो इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, ठीक है, लिमिट हमने यहां पर लगाई, याद रखना ये ए जो है ये लिमिट है, ओके। सो माइनस ऑफ डी ए ओवर ए रेज टू एन का इंटीग्रेशन किया एंड लिमिट इज ए नॉट टू ए। नाउ देखो लेफ्ट साइड वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो ए रेज टू माइनस एन हो जाएगा ना। नाउ ए रेज एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ओके। सो यहाँ पर चलो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, तो लिमिट विल बी ए नॉट टू ए एंड ये हमारे पास हो गया ए रेज टू माइनस एन डी एन, ठीक है, सॉरी डी ए रेज टू माइनस एन एन डी ए। राइट हैंड साइड वाला हमारे पास क्या हो गया, के टी हो गया, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, चलो पहले लिख लो फिर बाद में इंटीग्रेट करते आगे। नो देवी का एलन वाला किसका लॉग होता है, वो वन बाई एक्स का लॉग या वन बाई ए का लॉग एलन होता है, यहाँ पर रेज टू पावर है, तो रेज टू पावर वाले का क्या होता है, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। हो गया सबका,
नहीं तन्वी, मैं बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है? तो हो गया सबका ना, तो आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो a रेस टू माइनस एन था, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a रेस टू माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाय माइनस एन प्लस वन, एंड लिमिट हम लगाएंगे, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन भी है आगे, ठीक है? तो लिमिट हम यहां पर लगाने वाले हैं a नॉट टू a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया kt। अब देखो ये माइनस एन को अगर हम अंदर ले लेंगे तो ये हो गया n माइनस वन, है ना, या नीचे वाले को बाहर ले जाते हैं, तो इट इज वन अपॉन एन माइनस वन। इसके अलावा अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, तो ये है a रेस टू माइनस एन प्लस वन, तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट इट एज वन अपॉन a रेस टू एन माइनस वन, एंड देन लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, a नॉट अपॉन a, सॉरी a नॉट टू a लिमिट इज इक्वल टू kt। नाउ लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एन माइनस वन, log ऑफ, सॉरी वी आर log तो नहीं है, वन अपॉन a रेस टू एन माइनस वन माइनस वन अपॉन a नॉट रेस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू kt। या फिर हम n माइनस वन को भी राइट हैंड साइड ले सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है ये याद रखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं, बाकी जितने भी ऑर्डर है ना उनके लिए एप्लीकेबल है। Here n is not equal to 1, क्योंकि अगर हम n n को 1 ले लिया तो n माइनस वन इज जीरो, तो ये 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ओके? तो ये फर्स्ट ऑर्डर के अलावा जितने भी ऑर्डर है सबके लिए एप्लीकेबल इक्वेशन, याद रखना। मतलब n की वैल्यू कुछ भी ले लो, हर के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ओके? जैसे अगर हम मान लो यहाँ पर जीरो ऑर्डर की मान लो बात कर दें, अगर हम यहाँ पर जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम n को जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n को जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आया, n को जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस वन आएगा, है ना? ऑब्वियसली n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना यार, वैष्णवी हमने एडिंग क्या डलवाई है, वैष्णवी nth ऑर्डर रिएक्शन, एडिंग क्या है, nth ऑर्डर रिएक्शन, ओके? nth ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऑर्डर n है, ओके? सो n की वैल्यू जो है जैसा हम बता रहे हैं इसमें वन नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू अगर हमने वन ले ली तो n माइनस वन जो है वो जीरो हो गया, और वन बाई जीरो इज इनफिनिटी, ओके? तो अब एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की तो n की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है? तो अगर n जीरो है तो देखो क्या आएगा, वन अपॉन माइनस वन इंटू वन अपॉन क्या हो गया a रेस टू माइनस वन, है ना, माइनस वन अपॉन a नॉट रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू के टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a माइनस a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो यही होता था ना यार जीरो के लिए, याद है कि नहीं, जीरो ऑर्डर के लिए यही इक्वेशन आ रही थी ना, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर में तो हमने बताया कि अप्लाई कर ही नहीं सकते, नाउ सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वन अपॉन एन माइनस वन हो गया वन इंटू वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी, मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए हो गया वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी, क्लियर है क्या? तो n की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और तुम्हें ऑर्डर मिल सकता है, सॉरी ऑर्डर मिल, ऑर्डर तो पता है n मतलब ऑर्डर, तो n की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें इक्वेशन मिल सकती है, हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर का तुम इक्वेशन बता सकते हो, ओके? तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है ये याद रख लो,
बाकी अगर याद नहीं रखोगे तो डिराइव कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट डिराइव करोगे तो क्या थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके कन्वी, ग्राफ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब दिस वर्सेस दिस ग्राफ कैसा होगा, जैसे यहाँ पर भी अभी हम ग्राफ बना देते हैं इसके बीच पर। हो गया सबका? मैंने बताया ना मंदार की यार, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एन इज नॉट इक्वल टू वन लिखा था भाई। ये क्या लिखा है मंदार? हियर एन इज नॉट इक्वल टू वन लिखा है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारे ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है ये। यस देवी, देवी का एन इक्वल टू वन में तो लॉग वाला टर्म आता है ना, लॉग ए माइनस ए नॉट वाला, लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट। यस देवी का, बाकी किसी में लॉग नहीं आता है, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर वाले में लॉग आता है। ठीक है नाउ, तो ये हमने एन सब्स्टिट्यूट करके बताया कि जीरो ऑर्डर में कैसे इक्वेशन आ गया, सेकंड ऑर्डर में कैसे आ गया। ऑब्वियसली ऐसे किसी कोई भी ऑर्डर दिया तुम इसके लिए इक्वेशन बता सकते हो। नाउ देखो, अब यहाँ पर हम ग्राफ की भी बात कर सकते हैं, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 upon a raised to n minus 1 minus 1 upon a naught raised to n minus 1 is equal to k इंटू एन माइनस वन इंटू टी। ये जो हमने एन माइनस था, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले लिया। नाउ इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 upon a raised to n minus 1 is equal to k into n minus 1 into t प्लस 1 upon a naught raised to n minus 1। यहाँ पर दिस इज y, दिस इज mx एंड दिस इज t। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे ना, वो किस किस के बीच में बनाएंगे, तो हम ग्राफ बनाएंगे 1 upon a raised to n minus 1 वर्सेस c के बीच। तो जब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ का स्लोप क्या आ जाएगा, k into n minus 1। स्लोप क्या आएगा, k into n minus 1। इसके अलावा ये जो इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा 1 upon a naught raised to n minus। ओके, अब कोई भी एग्जांपल तुम यहाँ पर ले सकते हो, एक्चुअली यू कैन पुट एन एज 0, एन एज 2। ऑब्वियसली एन को 1 पुट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एन इज इक्वल टू 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 1 के अलावा अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो तुमने एन को 2 पुट किया, ठीक है, तो एन को 2 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 माइनस 1 ना, मतलब हमारे पास जो ग्राफ है वो किसके बीच में आएगा, ग्राफ आएगा 1 by a versus t के बीच में, एंड उस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा k। इंटरसेप्ट क्या आएगा, इंटरसेप्ट आएगा 1 upon a naught। क्लियर है? अगर हम तुम यहां पर n को 0 पुट करते तो ये क्या हो जाता, 1 upon a raised to minus 1 ना, 1 upon a raised to minus 1 मतलब a। ओके तो वहां पर a वर्सेस t ग्राफ बनता और वो स्ट्रेट लाइन आता और स्लोप क्या होती, स्लोप माइनस k हो जाती। तो याद है कि नहीं है, जीरो ऑर्डर में a वर्सेस t वाला ग्राफ हम जब बनाते थे तो माइनस k स्लोप आता था, याद आया? जीरो ऑर्डर में स्लोप माइनस k आया था जब हमने a वर्सेस t वाला ग्राफ बनाया था। तो यहां पर अगर तुम n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो वही ग्राफ तुम्हें मिल जाएगा, a वर्सेस t वाला ग्राफ।
साक्षी nth ऑर्डर पर एक्चुअली क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट क्या है कि तुमसे कोई ग्राफ पूछ सकता है 1/a^2 वर्सेस t के बीच में, ओके 1/a^2 समथिंग दिया होगा एंड देन t के बीच में ग्राफ दिया होगा, और अगर वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है 1/a^2 समथिंग वर्सेस t वाला ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर देखो पावर में क्या है, दैट पावर शुड बी n माइनस 1, ठीक है। तो तुम्हें ग्राफ दे सकता है और पूछ सकता है कि ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर पावर देखना क्या है, पावर क्या होना चाहिए, पावर शुड बी n माइनस 1। तो जैसे हम इसमें देखेंगे सेकंड वाले में, तो यहाँ पर पावर क्या है 1, तो n माइनस 1 शुड बी 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। अगर तुम्हारे पास जो ग्राफ है वो ऐसा है कि यार 1/a^3 वर्सेस t जो है वो स्ट्रेट लाइन है, 1/a^3 वर्सेस t स्ट्रेट लाइन है, तो बताओ कौन सा ऑर्डर होगा, कौन सा ऑर्डर होगा, मतलब अपने पास ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है 1/a^3 वर्सेस t, तो ये जो पावर है 3, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी n माइनस 1 है ना, तो n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 3, तो n क्या हो गया 4 हो गया, समझ आया ही नहीं आया, ओके तो इस टाइप से तुम यहां पर कर सकते हो। तो जो 1/a^2 की पावर है वो पावर क्या है, n माइनस 1। यस रावनी, फॉर्मूला याद रख सकते हो, बाकी डिराइव भी कर सकते हो, बट डिराइव करने में क्या टाइम जाता है। हो गया सबका, शुभ nth ऑर्डर में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर अभी हम आगे एक और चीज बताने वाले हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब हमें ऑर्डर बेसिकली या तो ग्राफ दे दिया जाएगा उसके थ्रू ऑर्डर पूछ सकता है, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमें टी हाफ का दिया है कि यार हमने कॉन्सेंट्रेशन को इतना टाइम्स किया तो टी हाफ इतना टाइम्स हो गया, बता ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो वैसा भी वो पूछ सकते हैं। सो प्लॉट, ग्राफ प्लॉट करने को तो नहीं बोलेंगे, बट क्या है कि ऐसे बोल सकते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर थर्ड ऑर्डर ग्राफ, है ना, तो तुम्हें 3-4 ग्राफ दे देंगे और उनमें से पूछेंगे कि थर्ड ऑर्डर का ग्राफ कौन सा है, ओके सो वो तो कर ही सकते हो तुम। अगर थर्ड ऑर्डर का है तो 1/a^2 वर्सेस t जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर थर्ड ऑर्डर का ग्राफ पूछा है तो क्या होगा, n माइनस 1 क्या हो गया, वहां पर 3 हो गया, 3-1 2 हो गया ना, ओके सो 1/a^2 वर्सेस t अगर स्ट्रेट लाइन है तो थर्ड ऑर्डर है। लिख लिया सबने, तो आगे चलते हैं। तो अब देखो हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, तो टी हाफ ऑब्वियसली क्या है, जब ए को हम क्या लिखेंगे, ए नॉट बाई टू ना, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई, हमारे पास इक्वेशन है के इंटू एन माइनस 1 इंटू टी, टी की जगह में लिखना है टी हाफ इज इक्वल टू 1/a^n-1 है, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, ए नॉट बाई टू है ना रेज टू एन माइनस 1 माइनस 1/ ए नॉट रेज टू एन माइनस 1, तो के इंटू एन माइनस 1 इंटू टी हाफ, ऑब्वियसली हमने यहां पर किया है, हमने क्या किया यहां पर, हमें पता है कि एट टी इक्वल टू टी हाफ
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, इट इज ए नॉट बाय टू है, सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का अपॉन टू जो है वो क्या हो गया, एट टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना, ए इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू होता है इक्वल टू टी हाफ पर। तो हमने यहाँ पर ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए नॉट बाई टू सब्स्टिट्यूट कर दिया, जब हमने टाइम को क्या लिया, टी हाफ लिया। ओके तो ये क्या हो गया, देखो दिस इज टू रेस टू एन माइनस वन अपॉन ए नॉट रेस टू एन माइनस वन माइनस वन अपॉन ए नॉट रेस टू एन माइनस वन। ओके तो यहां से टी हाफ क्या आएगा, देखो तो यहां से टी हाफ क्या आ गया, अच्छा इसमें से देखो वन अपॉन ए रेस टू एन माइनस वन कॉमन आ सकता है ना, तो ऊपर देखो क्या आएगा, ऊपर आएगा टू रेस टू एन माइनस वन माइनस वन अपॉन के इंटू एन माइनस वन इंटू ए रॉज ए नॉट रेस टू एन माइनस। ओके सो टी हाफ जो है, मतलब इस यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन तो जनरली याद रखने की जरूरत है नहीं, वैसे हमें ये पता होना चाहिए कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखो कैसे डिपेंड करता है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एन माइनस, ये मेनली याद रखने वाला है। ठीक है, टी हाफ जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, इस टाइप से डिपेंड करता है। ओके टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेस टू एन माइनस। यस देविका, अगर एन का वैल्यू तुम जीरो लोगे तो टी आप जो है ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे हमने बताया था। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एन की वैल्यू अगर वन से छोटा है, एन का वैल्यू अगर वन से छोटा है देन ऑब्वियसली टी आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन अगर एन से एन जो है वो वन से बड़ा है, मतलब ऑर्डर जो है वन से बड़ा है, तो टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। लिख लिया सबने, मैं यहां पर एक और ग्राफ आ सकता है, देखो तो ये हमारे पास टी नॉट सॉरी टी हाफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ये आ जाएगा ना, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट ये वाला पार्ट रहेगा, बट उसको पूरे को लिखने के बजाय हम क्या लिख देंगे, कुछ कांस्टेंट लिख देते हैं। तो टी हाफ इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू क्या हो गया ए नॉट रेस टू वन माइनस एन, है ना, नीचे था एन माइनस वन तो ऊपर लेके गए तो वन माइनस एन हो जाएगा पावर, है ना। तो अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो लॉग ऑफ टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट प्लस वन बाय माइनस
वन माइनस एन सॉरी इंटू लॉग ऑफ ए नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास. तो दिस इज वाई, दिस इज सी एंड दिस इज एम एक्स. तो अगर लॉग टी हाफ वर्सेज लॉग ए नॉट हमें ग्राफ दिया है, तो ये वाला ग्राफ जो है ये भी स्लोप बता सकता है, और स्लोप बताएगा ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्लोप बता सकता है. और स्लोप एक्चुअली क्या है, स्लोप हमारे पास है वन माइनस एन. ओके, तो अगर तुम्हें लॉग टी हाफ वर्सेज लॉग ए नॉट का ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ के स्लोप से तुम ऑर्डर बता सकते हो, है कि नहीं. तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, लॉग ऑफ मतलब लॉग टी हाफ वर्सेज लॉग ए नॉट ग्राफ जो है वो दिया जा सकता है, और उसकी स्लोप भी ऑब्वियसली दी जा सकती है, और तुम्हें पूछेगा कि ऑर्डर क्या है. या फिर उल्टा भी हो सकता है कि लॉग टी हाफ वर्सेज लॉग ए नॉट ग्राफ तुम्हें पूछ सकता है और तुम्हें ऑर्डर पता है. ठीक है, तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी वन माइनस एन. लॉग टी हाफ वर्सेज लॉग ए नॉट का स्लोप क्या होगा, वन माइनस एन होगा. ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं. चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं. सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 13 करो. फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 13 सॉल्व करो. सो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है ना, तो इंटरसेक्ट तो करेगा ही. स्ट्रेट लाइन है तो वो तो दोनों एक्सेस को कट करता ही है ना. ठीक है, यहां पर हम log ऑफ a नॉट वाला ग्राफ बनाए ना कि log a वाला. शुभ, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए a का जीरो होना जरूरी है. ओके, तो a जीरो कब हो रहा है वो देखो. जब a जीरो हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी. तो वो जीरो ऑर्डर में जीरो हो जाता था, बाकी में होता ही नहीं होता वो देखो.
यस ईशान करेक्ट है शायद। तो देखो टीहाफ जो है वो 9 टाइम्स हो गया जब कॉन्सेंट्रेशन को 1/3 किया। ओके तो टीहाफ जो है पहले मान लो था टी था पहले। ओके तो टी इज सम कांस्टेंट के इनटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले ए ले लिया मान लो रेज टू 1 - n। ठीक है बाद में जो हमारे पास टाइम है वो कितना हो गया 9 टाइम्स हो गया टीहाफ। ओके तो नहीं 9 टाइम्स हो गया इज इक्वल टू के और ये क्या हमने एक बोल दिया ये 1/3 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई 1/3 हो गई। ओके सो 9 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये 1/3 raised to 1 - n या हम इसको बोल सकते 3 raised to n - 1। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 raised to n - 1 हो गया तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 आ जाएगी ना बिकॉज n माइनस 1 जो है वो क्या आ जाएगा n-1 2 आ जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ओके सो होमवर्क नोट करो होमवर्क है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर ऑब्वियसली हमने पहले दे दिया है तो देख लेना कितने क्वेश्चन पहले हो गए हैं। तो 1 to 60 क्वेश्चन नंबर 1 to 60 में कितने क्वेश्चन हम पहले दे दिए हैं वो देख लेना तो बच्चे जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करते। ओके तो चलो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। बाय टेक केयर।